हेलो, मैं शाहुल जॉन। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि 25 जून 1975 के आपातकाल के परिणाम क्या हुए। हमें पता है कि आपातकाल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के चैप्टर 6th, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, का एक टॉपिक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है कि आपातकाल ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित किया। अब जब इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी, तो इसका परिणाम क्या निकला, यानी कि रिजल्ट क्या निकला, या आपातकाल लगने के बाद क्या स्थिति हुई भारत की, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सरकार ने इस फैसले का विरोध, यानी कि आपातकाल का आंदोलन एक बार की रुक गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक माहौल में तनाव भरा, एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी, यानी कि अब कोई भी न्यूज़ चैनल रिपोर्ट नहीं ले सकता था, न्यूज़ नहीं ले सकता था। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है, यानी कि अब ये भी बोला गया कि न्यूज़पेपर छापने वालों को भी मना किया गया कि किसी भी प्रकार की न्यूज़ वो नहीं छाप सकते हैं। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रेस पर आज़ादी और न्यूज़पेपर कि न्यूज़ पर आज़ादी पर रोक को प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। और दूसरी ओर सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि RSS और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी RSS है, तो उस समय में 25 जून 1975 के दिन RSS पर रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। अब कोई भी ना तो धरना कर सकता था, ना ही प्रदर्शन कर सकता था, ना ही हड़ताल कर सकता था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। इसके अंदर क्या हुआ कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे अब निष्प्रभावी हो गए, यानी कि अब उनके जो मौलिक अधिकार के थे वो काम में नहीं आने वाले थे। इसका मतलब यह है कि अब आप ये नहीं कह सकते थे कि भैया मुझे घूमने का अधिकार है, या कहीं जाने का अधिकार है, या सभा करने का अधिकार है, क्योंकि जब आपातकाल की घोषणा होती है तो मौलिक अधिकार भी छिन जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ, उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। अब वो ये भी नहीं कह सकते थे कि भाई मौलिक अधिकारों हमारे मौलिक अधिकार छिन गए हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि आपातकाल के दौरान खास तौर से मौलिक अधिकार छिन जाते हैं। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, यानी कि निवारक नज़रबंदी उसे कहते हैं, यानी शक के आधार पर पकड़ना। अब लोगों को शक के आधार पर पकड़ने लग गई पुलिस, जिसके कारण अब लोग इधर से इधर उधर नहीं घूम पा रहे थे। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता था कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। यानी कि निवारक नज़रबंदी में ऐसा होता है कि अगर किसी पे शक है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसी के बेस पर उसको पकड़ लेते हैं, ना कि उस बेस पर कि उसने अपराध किया है। अपराध किया है तो उसको पकड़ा ही जाएगा, पर इस स्थिति के अंदर निवारक नज़रबंदी के अंदर अगर किसी पर शक होता है कि अपराध कर सकता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। अब ये भी नहीं है कि हमें पता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसे हम रिट भी कहते हैं, एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसके अंदर किसी को भी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि कोर्ट उस
अपराध की जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को बुलाता है, तो अब उसका भी सहारा नहीं ले सकते थे लोग, कि यानी कि कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे अगर उनको शक के आधार पर भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किसी किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है, यानी कि इस स्थिति के अंदर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको इसका कारण बताने की भी जरूरत नहीं थी कि भैया उनको क्यों पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फैसलों को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में एक माना गया। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई, और इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन्स जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उसकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा, यानी कि ये पत्रिका यानी कि मैगजीन्स बंद हो गई सेमिनार और मेनस्ट्रीम नाम की। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अपने न्यूज़लेटर लीफलेट्स निकले पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी, और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए थे। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के सामने यानी उनके मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। अब संशोधन क्या क्या हुआ था ये हम पढ़ रहे हैं। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप में लागू किया जाना था। इसके अलावा अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए टालना पड़ा और टाला जा सकता था। अब इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में कराए जा सकते थे, पर हमें पता है कि लोकसभा का चुनाव 1977 में हुआ था जिसमें जनता पार्टी जीती थी। ये थे आपातकाल के परिणाम। अब आप मेरी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था और वेयर वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी को अमेज़न, शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं।